5 kabaddi 4 kabaddi 3 kabaddi 2 kabaddi 1 kabaddi let's play kabaddi ये मुकाबला कांटे का बिल्कुल कांटे का है। अपनी पहली ही रेड में अजय ने बता दिया कि इस आंधी को रोक पाना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। लेफ्ट इन को भी अटैक किया। अजय ठाकुर के हाथ इतने लंबे हैं कि इन हाथों से बच पाना किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं। काजिम नासेरी को देखिए कितना लंबा टच किया। मनजीत छिलर ज्यादा टूर्नामेंट में खिलाए नहीं गए हैं, इनके फैंस को जरूर वो सवाल तंग कर रहा होगा। मोनू गोयत इस समय रेड पर भेजे गए हैं। 6 डिफेंस के खिलाड़ी यानी कि 3 चेन, ये ट्रेडिशनल फील्ड प्लेसमेंट है जब आपके 6 डिफेंस के खिलाड़ी होते हैं। हाथ ऊपर मोनू गोयत का, इसका मतलब सीधा सीधा हाथी ताजे बेंच पर जाइए, आराम फरमाइए। ओ ओ यहां पर चौक किया सुरजीत ने, कहा अगली बार आइए सोच समझ के आइए। ईरान शून्य, 4 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी बचे, जाते जाते 1+1 और 2 गज की डिमांड कर रहे निशांत। निशांत ने 2 की डिमांड की है और 2 ही टच उन्हें मिले हैं। शुरुआती 4 मिनट में ही भारत के खिलाड़ियों ने अपना दम दिखा दिया था। अब तक के टूर्नामेंट में पहली बार ईरान के पांव कांपे थे। नबी बख्श आ गए हैं और नबी बख्श 2 लॉबीज का इस्तेमाल यानी कि गिरेशन्ना का शिकार, जबरदस्त वार। शुरुआत हो गई है, पहला पॉइंट, और अब यहां के बाद आप ये मान करके चलिए कि ईरान वापसी की कोशिश करेगा। ये पहला पॉइंट, गिरीश एरनक को बाहर जाना पड़ा है। मोनू गोयत रेड पर, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है बंजर बंजर जमीन है और बारिशों से इश्क है। ये रनिंग हैंड टच एक बार फिर दावा करते हुए, एक बार फिर शिकार 14 नंबर जर्सी का, 15 नंबर जर्सी ने शिकार किया। मुझे लगता है मकसूदलू अब 1-2 मिनट के अंदर आने ही वाले हैं। ये सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी, अजय ने कोशिश ये कर रहे हैं तीनों में एक तरफ धकेल दे, उस प्रयास में एक और रनिंग एंटच और उनका ट्रेडमार्क स्टाइल लेफ्ट राइट हवाओं में जस्ट का माहौल। हमने पहले इनिशियल स्टेज में मैंने राइडर को बोला तुम पहले से दो आ डे जैसा खेलना है, तुम्हारे लिए कोई फर्स्ट रेड नहीं है, सेकंड रेड नहीं, थर्ड रेड नहीं, गो ऑल आउट शो योर बेस्ट एंड गेट द पॉइंट्स, बिकॉज जब तक तुम पॉइंट नहीं स्कोर करेगा फिर वो राइडर अंदर नहीं घुसेगा, वो अंदर नहीं घुसेगा तो तुम डिफेंडर को कैच बनाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। अजय ठाकुर को काबू न कर पाने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि ईरान पर पड़ा ऑल आउट का पहाड़। अजय ठाकुर का उसका पूरा एडवांटेज लेते हैं। अगर आपकी रीच लंबी है तो ये मान के चलिए कि आप आधा कोर्ट कवर कर रहे हैं मले की बाहर। क्या जबरदस्त रेडिंग, अजय ठाकुर चुन चुन के शिकार कर रहे हैं। बैलेंस बहुत बढ़िया, ट्रैफिक इस डिफेंस की गाइड कर रहे हैं मोहित छिलर राइट कॉर्नर से, उनका इशारा जाता है सीधा गिरीश एरनक को। मोनू गोयत ने बहुत बढ़िया उनको संभाला, दीपक निवासुदा का पहला टैकल और जबरदस्त टैकल। इसके साथ ही ईरान ऑल आउट हो गया, लेकिन ऑल आउट होते होते बोनस पॉइंट जरूर ले गए। अब तक के खेल में भारतीय टीम अपना ऑलराउंड प्रदर्शन दे रही थी, रेडर्स रेड में पॉइंट ले आ रहे थे, डिफेंडर्स टैकल से धूम मचा रहे थे, मगर ईरान की टीम का प्रदर्शन पिछले मुकाबलों के हिसाब से बेहद फीका था। यहाँ ईरान अपने सबसे बड़े ट्रंप कार्ड मकसूदलू को ले आए। ओ मकसूद आ गए, अब 10 नंबर जर्सी पर नजर रखिए मोहम्मद मकसूदलू राइट इनकी पोजीशन में। मुझे समझ नहीं आता, और ये देखिए ब्लॉक करने गए, किसको ब्लॉक करने गए, ऋषभ देवाडिगा को। जबरदस्त पावर है ऋषभ के अंदर। ये जैसे ही मुड़े उन्होंने कहा ये मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, रेड पॉइंट इनके खाते में। और ये देखिए, मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं लेता कभी भी, अब मेरे को कितनी भी कभी भी जब टीम को फुल प्रेशर हो मेरे को रेड, मैं रेड जाता हूँ, मैं बिल्कुल मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। मुझे लगता है कि यार मैं अपनी मतलब चूसती अपने दिमाग से पॉइंट लेके आ सकता हूँ आराम से, अपनी टीम के लिए सिंगल पॉइंट तो मैं 101% लेके आ सकता हूँ, तो मुझे प्रेशर नहीं रहता। मैं प्रेशर में मैं हमेशा बोलता हूँ जब तुम लोगों के ऊपर कोई प्रेशर आए तो वी फ्रैंक होकर बोलना कि ब्रदर आप जाओ रेड, और मैं जाऊँगा।
भारत के आक्रामक खेल के आगे ईरान की उम्मीदें पस्त होती जा रही थी। अब तक के खेल में ईरानी खिलाड़ी अजय ठाकुर को एक बार फिर टैकल नहीं कर पाए थे। आखिरकार उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। प्रशंसकों फैंस के चेहरों पर मुस्कान, सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी, अजय ठाकुर 3.2 रन सुपर 10 से, ये एक पॉइंट ले लिया अजय ठाकुर का शिकार, सुपर टैकल, 2 पॉइंट ईरान को। ये वो मौका था जब भारत के 3 सुपर सितारे बाहर जा चुके थे। ऐसा लग रहा था ईरान ने पलटवार का बिगुल फूंक दिया है, मगर तभी भारतीय डिफेंडर्स ने दिखाया अपना दम। सुपर टैकल, लुत्फ उठाते हुए हर कोई भारत का पलटवार। बेहतरीन सुपर टैकल, ईरान के पॉइंट्स की झड़ी को थोड़ा सा विराम दिया, और ऐसा बैक होल्ड अगर मोहित के सामने मिल जाए तो फिर उसे वो तब्दील कर ही देते हैं। जी हाँ, ये देखिए क्या बात, सुपर टैकल, सुपर टैकल के 2 पॉइंट मिले। किस तरह से पूरा एफर्ट लगाया, उन्हें पता था कि दमखम में भारत के इन 3 डिफेंडर से पार पाना आसान नहीं, उल्टा दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रास्ता नहीं मिला। तकी पॉइंट को पकड़ा पकड़ा याद आ गई बचपन की दादा। यहां कहानी दूसरी है, क्या ईरान वापसी करेगा। दीपक निवास हुड्डा बाहर भेजे गए हैं, सुरजीत सिंह अंदर आए हैं। अच्छा मूव, क्योंकि सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है। अब आपके पास अजय ठाकुर डिफेंस कर लेते हैं, सपोर्ट जरूर दे सकते हैं, हाइट भी है, ताकत भी है। गिरीश शर्मा प्योर डिफेंडर, सुरजीत प्योर डिफेंडर, कौन पाउंस करेगा ये बड़ी बात है। सुपर टैकल एक बार भारत के नाम, क्या बात, सुपर टैकल के 2 पॉइंट भारत को और मिले। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब रेडर ने इस तरह से बचने की कोशिश की है। घटते वक्त के साथ ईरान की वापसी की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो चुकी थी। अब कोई करिश्मा ही ईरान की खेल में वापसी करा सकता था, मगर भारतीय खिलाड़ियों के तूफानी प्रदर्शन ने ईरान की तरफ से ऐसा कोई करिश्मा होने नहीं दिया। डू और डाई है मोनू गोयल के लिए, बिना पॉइंट के लौट नहीं सकते, और समय नहीं बचा, 7 सेकंड 6 सेकंड, जाइए बेंच पर। तो बढ़िया खेल ईरान के डिफेंस द्वारा, चार मिनट का वक्त बाकी है, 15 पॉइंट की नीड है, बहुत मुश्किल काम है। देखिए किस तरह से मोनू गोयत को दोनों पैर पकड़े और उसके बाद डिफेंस ने सही वक्त पर आकर सपोर्ट कर दिया। 4.25 मिनट बचे हैं, भारत के पास अभी भी 15 पॉइंट की लीड है। अजय ठाकुर यहां पर रेड डालने आए हैं, पॉइंट लेने के लिए नहीं, 27-28 सेकंड यूज करने के लिए, टू किल द क्लॉक। बिल्कुल, भारत की जरूरत इस समय को ज्यादा से ज्यादा काटने की है, और ईरान की जरूरत ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हासिल करने की। एक बार फिर मिर्जाई को ले गए, पहले दिन से उड़ रहे हैं, आज भी उड़ गए अजय ठाकुर, लगातार बार बार शानदार प्रदर्शन, और एक अंक और इजाफा। 4 का डिफेंस, कुर्बानी लौटेंगे कैसे, डैश कर दिए गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लौटेंगे कैसे जब डिफेंस डैश करेगा ऐसे। सबसे बड़ी बात, अगर आप लॉबी के इतने नजदीक से निकल रहे हैं, लॉबी को आप यूज करना चाह रहे हैं, तो इंडियन डिफेंडर आपको डैश करेंगे ही करें। जी हाँ, इतने बड़े खिलाड़ी हों और आप स्टार्टिंग सेवन में स्टार्ट ना करें, आपको ठेस तो लगती है, पर क्या करें, ये टीम सितारों से सुसज्जित है। ऐसे सुरजीत ने जीत लिया मन, इसलिए है सुरजीत। बिल्कुल, सुरजीत के डैश जवाब नहीं, बोनस जरूर ले गए, लेकिन ऑल आउट हो गया इसके साथ ही ईरान की टीम। मकसूद रू को किस तरह से डैश किया, छोटा कद सुरजीत का, लेकिन भाव गंभीर, और इसके साथ ही ये खिताब भारत ने जीत लिया। कबड्डी के मानचित्र पर अपना वर्चस्व, अपना एकाधिकार।